आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही मोस्ट अवेटेड फिल्म लाहौर 1947 में सनी देओल के साथ उनके रियल लाइफ बेटे करण देओल नजर आने वाले हैं। बता दें, करण ने साल 2013 में अपना डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म यमला पगला दीवाना 2 फीट थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म पल पल दिल के पास और वेले में काम किया, हालांकि ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फिट गई थी। आमिर खान ने लाहौर 1947 का अपडेट देते हुए बताया कि करण देओल इस फिल्म में जावेद के किरदार में नजर आएंगे। आमिर ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि करण देओल ने जावेद के किरदार के लिए इतना अच्छा ऑडिशन दिया है। उनकी मासूमियत और ईमानदारी उन्हें इस किरदार की भूमिका अदा करने में बहुत मदद करेगी। करण ने इस किरदार के लिए सच में बहुत मेहनत की है। पहले मुंबई में आदिशक्ति थिएटर ग्रुप के साथ वर्कशॉप की और फिर निर्देशक राजकुमार संतोषी के साथ रिहर्सल्स की। जावेद इस फिल्म का बहुत अहम हिस्सा है। मुझे यकीन है कि राजकुमार संतोषी के निर्देशन में करण ये किरदार निभाने में सफल होंगे। सनी देओल और करण देओल के अलावा इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और शबाना आजमी भी हैं। अभी तक प्रीति या शबाना के किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आया है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और संतोष सिवन, जिन्हें हाल ही में कांस में पेरे एंजेलिक्स ट्रिब्यूट से सम्मानित किया गया था, लाहौर 1947 की सिनेमेटोग्राफी का कामकाज संभाल रहे हैं। ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।